एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी बड़े रोल को प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाता है। इसीलिए एक्टर्स इसमें सोच समझ के ही घुसते हैं, वरना अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और वुल्वरीन जैसे इतने सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के लिए उस पर्टिकुलर एक्टर को हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी। वो फ्रिक्वेंटली अपनी बियर्ड शेव नहीं कर सकते, डाइट वही मेंटेन रखनी पड़ेगी प्रॉपर मस्कुलैरिटी बनाए रखने के लिए। और ये सब कुछ उस एक्टर को 10 साल या उससे आगे भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है जब तक वो इस रोल को ड्रॉप नहीं कर देते। ऐसे में अगर कभी दूसरी मूवीज में कैमियो अपीयरेंस देना पड़ जाए तो सिर्फ एक 4-5 मिनट के सीन के लिए ही ये पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा अदर मूवीज भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ह्यूज जैकमैन इस उम्र में आने के बाद इतनी टफ लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहते एक ऐसे रोल को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ इस बेसिस पर कि फैंस चाहते हैं। जिस कैरेक्टर को वो ऑलरेडी प्रॉपर क्लोजर दे चुके हैं उसे लिटरली 17 साल तक प्ले करने के बाद, पर वो सब फॉक्स के अंडर था। और जब से डिज्नी डैडी ने फॉक्स को गोद लिया है हमें यही सुनने को मिलता है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स जल्द ही दिखना शुरू हो जाएंगे। यह तो ऑब्वियस है कि मार्वल स्टूडियोज एक्समैन को नई कास्ट के साथ रिबूट करेगा सिवाय डेडपूल के। और मैं बात करने वाला हूँ सबसे पॉपुलर म्यूटेंट या कहें एक्समैन के लिए कुछ ऐसे एक्टर्स की जो ह्यूज जैकमैन की लेगेसी को एमसीयू में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेलेक्टिव नाम होंगे, कुछ ऐसे जिन्हें आप वुल्वरीन के रोल में देखना चाहते होंगे, कुछ जिन्हें मैं देखना पसंद करूंगा, और कुछ ऐसे एक्टर्स जो वुल्वरीन को प्ले करना चाहते हैं और जिनके सोशल मीडिया पे र्यूमर्स भी सुनने को मिलते हैं। लिस्ट में एक्टर्स सिर्फ इस बेसिस पे रैंक नहीं किए गए हैं कि वो वुल्वरीन की कितनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बल्कि उनके कुछ फिजिकल ट्रेड्स और उनकी कितनी ज्यादा चांसेस हैं उसे भी कंसिडर किया गया है। क्योंकि कोई ऐसा एक्टर वुल्वरीन नहीं प्ले कर सकता जो एजड हो या इनफ मस्कुलर ना हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बेहतरीन एक्टर हो या किसी की फेवरेट चॉइस हो, एक्टर वुल्वरीन के रोल में कितना सूट कर रहा है या कहें रोल में कितना जच रहा है ये सबसे पहले मैटर करता है, भले ही कॉमिक एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो जाए। वुल्वरीन वैसे तो बहुत ज्यादा हेयरी है, अब इसका मतलब ये नहीं कि केविन फाइगी को हर एक्टर के छाती के बाल देखने की जरूरत है। जरूरी है एक्टर की डेडिकेशन और परसिस्टेंसी। मार्वल इसी फॉर्मूला को आयरन मैन 1 से यूज करता आया है। यहाँ एक्टर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स की बात की जाएगी। तो इसी के साथ आते हैं अपनी अनोखी लिस्ट पर। नंबर 10, पैब्लो स्क्रीबर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुपर हीरो जॉनरा से ही फैन थ्योरीज, र्यूमर्स और लीक्स सबसे ज्यादा निकल के सामने आते हैं। और पैब्लो स्क्रीबर की वुल्वरीन के कास्टिंग र्यूमर्स ने मार्च में आग पकड़ रखी थी। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि उनकी कॉन्वर्सेशन को लोगों ने एग्जैजरेट किया है और कुछ नहीं, पर हमने एंड्रयू गारफील्ड से सीखा है आई एम नॉट द वेयरवुल्फ का मतलब। और मार्वल स्टूडियोज अगर इनकी कैनेडियन ओरिजिन और हैलो डन ऑफ द थीव्स की परफॉर्मेंस के चलते वुल्वरीन के रोल में कंसिडर कर रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये टॉलेस्ट वुल्वरीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि इनकी हाइट है 6 feet 5 inches यानी ह्यूज जैकमैन से भी 2 inches ज्यादा। इसी हाइट के इश्यू के चलते ये लास्ट रैंक करते हैं। नंबर 9, स्कॉट एडकिंस। तो ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन में वेपन एक्स को रायन रेनॉल्ड्स ने नहीं एक्शन स्टार स्कॉट एडकिंस ने पोर्ट्रे किया था। वो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट और स्टंट परफॉर्मर हैं। उन्होंने एमसीयू में पनिशर को प्ले करने के लिए इच्छा जताई थी जो बहुत इंटेंस और ब्रूटल है, पर जॉन बर्नथाल की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के बाद मार्वल उन्हें रिकास्ट नहीं करने वाला। ऐसे में उनके लिए एक ही ऐसा कैरेक्टर बचता है वुल्वरीन। वो अपनी अनडिस्प्यूटेड 3 मूवी के बॉयका के कैरेक्टर को वुल्वरीन से सिमिलर मानते हैं रेज और ब्रूटैलिटी के मामले में, और वो वुल्वरीन के स्टंट्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं, मगर उनकी एक्टिंग स्किल्स इनफ नहीं है वुल्वरीन जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को परफेक्टली स्क्रीन पे उतार पाने में, इसीलिए वो 9th रैंक करते हैं। नंबर 8, डैनियल रेडक्लिफ। ये बताने की जरूरत नहीं कि डैनियल रेडक्लिफ कितने तगड़े एक्टर हैं। वो बचपन से ही अपनी एक्टिंग स्किल्स प्रूव करते आए हैं। जंगल, इंपीरियम और बीस्ट ऑफ बर्डन जैसी मूवीज वो ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो किसी रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे करने के लिए कितना एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, तो वो वुल्वरीन को भी उसी लगन के साथ करने में केपेबल हैं। पर फैंस सिर्फ उनकी बियर्ड की वजह से उन्हें अगला वुल्वरीन मान बैठे हैं जो ह्यूज जैकमैन से मैच करती है जैसी उन्होंने लोगन मूवी में रखी थी, और ना कि उनकी कम हाइट के चलते जो उन्हें कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन बना सकती है। क्योंकि अगर लोग कॉमिक एक्यूरेसी को इतना सीरियस लेते तो डैनियल रेडक्लिफ ह्यूज जैकमैन से भी बहुत कम मस्कुलर है जो वुल्वरीन की फिजिक से कोसों दूर है, और यही रीजन है उनका इतने नीचे रैंक करने का। लेकिन अगर वो वुल्वरीन के रोल के लिए सीरियस हैं तो उन्हें अभी से अपनी खुराक 4 गुना बढ़ाकर जिम जाना शुरू कर देना चाहिए, वरना वो ऐसे ही ह्यूमन टॉर्च के रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे। नंबर 7, डैरन एगर्टन। इस आदमी का नाम गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल भी नाम के आगे वुल्वरीन सजेस्ट करने लगता है। इनका नाम वुल्वरीन की फैन कास्टिंग में टॉप 3 में जरूर मिलेगा, यहाँ तक कि खुद एक्टर भी बोलता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वुल्वरीन, और केविन फैगी से मीटिंग्स की भी खुले में कॉन्फर्मेशन करते हैं। हमने एक फैन कास्टिंग को सच होते देखा ही है, तो कल को ये हाथों में 6 खंजर लिए दिख जाए तो चौक मत जाना। डैरन एगर्टन नो डाउट एक बढ़िया एक्टर है, उनकी हाइट और फिजिक भी ठीक है, लेकिन वो पार्शियली बाल्ड यानी गंजे हैं और उनके फेशियल हेयर्स भी कम हैं, जिस वजह से वो वुल्वरीन के क्लासिक लुक को अडैप्ट नहीं कर सकते। और वो खुद भी इस चीज का मजाक बना चुके हैं कि अगर वो वुल्वरीन प्ले करेंगे तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन लेने की जरूरत पड़ जाएगी, प्लस इनकी वॉइस और एक्सेंट भी लोगन की भारी टोन से मैच नहीं करती।
इसीलिए मैं समझता हूँ टैरन एगर्टन इतनी भी बढ़िया चॉइस नहीं है वुल्वरीन के लिए, जब ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 6, टॉम हार्डी। इस नाम को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो वुल्वरीन को ठीक से प्ले कर भी पाएंगे या नहीं, पर तब भी जिन्हें प्रूफ चाहिए तो उन्हें इनकी मैड मैक्स, द डार्क नाइट राइजेस और वॉरियर जैसी बेहतरीन मूवीज देखनी चाहिए। टॉम हार्डी हर एंगल से एमसीयू के लिए एक फिट वुल्वरीन है, बस दिक्कत यही है कि वो ऑलरेडी एडी ब्रॉक का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो एमसीयू का पार्ट है भी और नहीं भी, और वेनम 3 भी कंफर्म्ड है, इसीलिए इनका वुल्वरीन के रोल को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बस अगर इन पर से सोनी का निशान मिट जाए तो मार्वल स्टूडियोज के दरवाजे पे खुद केविन फैगी खड़े होंगे आरती की थाली लिए, और फैंस तो ऐसी पिक्चर्स देखने के बाद राजी बैठे हैं ही। स्पाइडरमैन 3 में एडी मर गया था, वेनम 3 में भी देख लो अगर कुछ हो सकता है तो, क्योंकि जब ये आदमी पियत्रो से क्रेवन बन सकता है तो टॉम हार्डी लोगन क्यों नहीं बन सकते। नंबर 5, ट्रेविस फिमेल, रैग्नार लोथब्रोक। बस यही एक रीजन है कि मैंने इन्हें इस लिस्ट में इतना हायर रैंक किया है। मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी गेम ऑफ थ्रोन से द चोजन वन को ले चुका है ब्लैक नाइट कैरेक्टर के लिए, तो अगला वुल्वरीन एक वाइकिंग हो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से रैग्नार के कैरेक्टर में जान डाल दी थी, वो रैग्नार वाली टफनेस को वुल्वरीन के कैरेक्टर में इजीली ढाल सकते हैं और इनके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं, इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस के दम पर इन्होंने 5th पोजीशन सिक्योर की है। नंबर 4, हेनरी कैविल। हां, अपने सुपरमैन एके हेनरी कैविल। पिछले 2 साल से इनके वुल्वरीन के रूमर्स आसमान पर हैं, मगर फैंस इन्हें एमसीयू में कैप्टन ब्रिटेन या सेंट्री के रोल में देखना चाहते हैं। हेनरी कैविल को एज विचर देखने के बाद मेरे मन में श्योरिटी आई कि वो एक बढ़िया वुल्वरीन साबित होंगे। उनका फेस स्ट्रक्चर लोगन के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। वो बल्कि है, भारी आवाज भी है, और सबसे जरूरी उनकी एक्टिंग स्किल्स। वो विचर की इंटेंसिटी और ब्रुटैलिटी को वुल्वरीन जैसे डार्क और वाइल्ड कैरेक्टर में अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू इजीली एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उनके बाल इतने सुनहरे नहीं है, इसीलिए उन्हें वुल्वरीन के क्लासिक लुक को अडैप्ट करने में शायद दिक्कत हो सकती है। और अगर वो किसी तरह इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं विचर की तरह विग पहनकर, तो वुल्वरीन से पहले वो सुपरमैन को चूज करेंगे अगर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए एक कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता है। बस देर है डीसी की तरफ से न्योता आने की, वरना वो अगले जेम्स बॉन्ड बनना भी प्रेफर करेंगे, और विचर तो 8-10 सीजन लंबा जाने वाला है ही। नंबर 3, स्कॉट ईस्टवुड। टॉप 3 में वही एक्टर्स हैं जो वुल्वरीन के लिए बेस्ट चॉइस हैं। स्कॉट ईस्टवुड जिनमें से सबसे पहला नाम है। वुल्वरीन उनका फेवरेट कॉमिक बुक कैरेक्टर है, इसीलिए वो चाहते हैं कि फैंस पिटीशन निकालें कि वही हो एमसीयू के वुल्वरीन। इसीलिए इंटरनेट पे भी इनके एज वुल्वरीन फैन आर्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो एक टैलेंटेड एक्टर हैं और मोस्टली अपने सपोर्टिंग रोल्स के लिए जाने जाते हैं, पर वो वुल्वरीन जैसे बड़े रोल को करने के लिए अपना बेस्ट देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी इन द एंड सब मार्वल स्टूडियोज के हाथ में ही है कि वो किस एक्टर को वुल्वरीन के लिए कास्ट करेंगे। नंबर 2, जैक एफ्रन। वुल्वरीन का रोल एक्सेप्ट करने से पहले ह्यूज जैकमैन अपने स्टेज म्यूजिकल कैरियर से भी जाने जाते थे, जिसे वो आज भी कंटिन्यू किए हुए हैं। उन्होंने इसी से रिलेटेड एक मूवी भी की थी, द ग्रेटेस्ट शोमैन, जिसमें एक्टर जैक एफ्रन भी थे, और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिकल से ही की थी। और इस टाइम हॉलीवुड में अगर कोई यंग टैलेंटेड और अच्छी फिजिक वाला एक्टर मौजूद है तो वो शायद जैक एफ्रन ही होंगे। उनकी हाइट है 5'8", जो उन्हें एक कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन बनाती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ह्यूज जैकमैन की भी पहली 2 एक्समैन मूवीज में परफॉर्मेंस उतनी दमदार नहीं थी, पर वो टाइम और डेडिकेशन के साथ वुल्वरीन की परफॉर्मेंस में परफेक्शन अचीव करते चले गए। किसी एक्टर को 50 परफेक्ट परफॉर्मेंसेस देने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक ऐसा रोल करके चले जाते हैं जो उन्हें अमर बना देता है। जैक एफ्रन ने अपनी गोल्ड मूवी की परफॉर्मेंस से खुद को प्रूव किया है कि वो अपने रोल के लिए कितनी डेडिकेशन दे सकते हैं, और वुल्वरीन के लिए ऐसे ही एक्टर की जरूरत है जो डेडिकेटेड होने के साथ रोल के लिए परसिस्टेंट भी रहे। जैक एफ्रन बहुत सेलेक्टिव मूवीज ही करते हैं, उनकी आए दिन मूवीज या सीरीज नहीं रिलीज होती इतने पॉपुलर इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी, इसीलिए वो वुल्वरीन को एमसीयू में एक लंबे टाइम के लिए बड़े आराम से प्ले कर सकते हैं, और वो मेरी फेवरेट चॉइस भी हैं। पर लिस्ट में एक और नाम है जिन्हें मैं जैक एफ्रन की जितनी ही प्रेफरेंस देने लगा हूँ उनकी हाल ही में प्रीमियर हुई सीरीज के बाद। Shut the fuck up. Number 1, Jensen Ackles. Boys के सीजन 3 में अगर किसी ने मुझे इम्प्रेस किया तो वो है सोल्जर बॉय ने अपने जबरदस्त डायलॉग से। जेंसन एक्लेस ने अपनी परफॉर्मेंस से मेरा अटेंशन गेन कर लिया है, इसीलिए मैंने सुपर नेचुरल सीरीज के स्टार को नंबर 1 रैंक किया है। उन्होंने सोल्जर बॉय को जिस वे में परफॉर्म किया, मुझे कई बार उनमें लोगन वाली वाइब्स मिली, क्योंकि हैंड्स डाउन वुल्वरीन सबसे बैडएस कॉमिक बुक कैरेक्टर है, और उन्होंने एक ऐसा सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले किया जो सिरफिरा, एरोगेंट और सैवेज होने के साथ वर्ल्ड वॉर के टाइम से बिलोंग करता है, जो लोगन से काफी सिमिलर है। बस वो सोल्जर बॉय जितना हरामी नहीं है। जैक एफ्रन के अलावा जेंसन एक्लेस में भी पूरा पोटेंशियल है कि वो वुल्वरीन के चार्म को परफेक्टली पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं जैक एफ्रन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। फक यू।
नंबर जीरो ह्यूज जैकमैन। ये लिस्ट नंबर वन पे नहीं खत्म हो सकती क्योंकि लेजेंड जैकमैन के बिना अधूरी रहेगी। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। वो पहले वुल्वरीन है और रहेंगे। वो बात अलग है कि वो वुल्वरीन को एमसीयू में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पर सर पैट्रिक स्टीवर्ट की तरह वो भी अपना एक स्पेशल कैमियो दे ही सकते हैं। मार्वल पुराने एक्टर्स के लेगेसी कैरेक्टर्स को एमसीयू का पार्ट बना रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि रायन रेनॉल्ड्स ह्यूज जैकमैन को एटलीस्ट एक सीन करने के लिए मना ही लेंगे। मार्वल ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है कैरेक्टर्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में प्रेजेंट करने का, मैं ह्यूज जैकमैन के साथ भी वही होते देखना चाहूंगा कि वो एमसीयू में वुल्वरीन की उसी कॉस्ट्यूम में नजर आए जिसमें वुल्वरीन सबसे पहले कॉमिक्स में अपीयर हुआ था। और कॉमिक्स से मोस्ट आइकॉनिक लाइन बोले, आई एम द बेस्ट, देयर इज दैट व्हाट आई डू, बट व्हाट आई डू इजंट वेरी नाइस, वरना ये वाली लाइन भी चलेगी। Go fuck yourself. और मैं एक्ट्रेस डेफनी कीन का भी नाम मेंशन करना चाहूंगा जिन्होंने लोगन की बायोलॉजिकल बेटी लॉरा का रोल प्ले किया था, क्योंकि मार्वल यंग एवेंजर्स की टीम प्रिपेयर कर रहा है और मल्टीवर्स का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में उनकी पोटेंशियल को वेस्ट ना जाते हुए अगर उनकी एंट्री एमसीयू में हो जाती है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो यह थी वो कंप्लीट लिस्ट। शी हल्क के एपिसोड 2 में वुल्वरीन का ईस्टर एग देखने को मिल चुका है। बस अब इंतजार है अनाउंसमेंट और फिर प्रॉपर अपीयरेंस का। मार्वल अपने सेकंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर की एंट्री स्पाइडरमैन से भी ग्रैंड रखेगा। फिलहाल तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस लिस्ट पे, कितना एग्री या डिसएग्री करते हो? और अगर ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर्स जैसे प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, डॉक्टर डूम या डीसी के कैरेक्टर्स पे टॉप 10 लिस्ट चाहते हो तो अपने व्यूज और सजेशंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में दिखने वाले सभी ड्रैगन्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी यह वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बस 1.5 मिनट की है। तब तक के लिए टाटा।